हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? दोस्तों देखिए, ये लुमिना सिकोवाट 850 का सेट है, इन्वर्टर है, तो ये रिपेयर होने के लिए आया हमारे पास। और ये देखिए, इसमें जो है प्रॉब्लम जो है, ये अपना जो बैटरी मोड है, इसमें जो है कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। देखिए, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट करके रखा हुआ है, और नीचे पीछे देखिए सॉकेट में जो है हमने एक बल्ब को भी लगा करके रखा हुआ है, और इन्वर्टर भी जो है ऑन है, लेकिन यहाँ पर कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है। अभी मेंस देने पर देखिए तुरंत ही जो है चार्जिंग भी ले रहा है, आउटपुट भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है यहाँ पे। यानी कि प्रॉब्लम जो है हमारे बैकअप मोड में है, बैटरी मोड में कोई भी आउटपुट नहीं दे रहा है, यही फॉल्ट है इसका। तो ये देखिए, सेट को हमने ओपन करके रखा हुआ है, तो थोड़ा सा पहले हम जो है सेट को क्लीन कर देंगे और जो है इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक जो है दोस्तों, अगर चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करने के साथ जो है प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए, सेट को हम लोग थोड़ा सा क्लीन कर देंगे, बहुत ही गंदा है, ब्लोअर वगैरह मार करके थोड़ा सा क्लीन कर देंगे रिपेयर करने से पहले, जो कि हमको जो है सभी को जो है करना चाहिए ये। तो ये ब्लोअर का मदद से हम इसको थोड़ा सा क्लीन कर देंगे। तो इसको जो है हमने क्लीन कर दिया। अभी हम जो है इसको सेट को जो है किट को जो है बाहर निकालेंगे, बाहर निकाल करके इसको रिपेयर करेंगे। तो फटाफट से ये किट को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, किट को हमने बाहर निकाल दिया है, और यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम जो है, ये जो रिले है यहाँ पे वाइट कलर का, तो ये रिले हमने निकाल दिया है। देखिए, तो ये पिन पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर का जो है स्पॉट पड़ चुका है, काला पड़ चुका है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। तो ये रिले का जो इनपुट पिन है यहाँ पे जो है वोल्टेज अगर नहीं आएगा, तो ये जो है बैटरी मोड में जो है ये काम नहीं करेगा। तो ये जैसे ही हम लोग यूपीएस को ऑन करेंगे, उसके बाद जो है इसका जो इनपुट पिन है यहाँ पे वोल्टेज जो है जाना चाहिए। तो ये देखिए, हमने जो है यहाँ पे दूसरा रिले लगाना है, तो ये दूसरा रिले हमने जो है यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे देखिए, रिले भी जो है हम इसको जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करने का बाद जो है, जो रिले का स्विचिंग का जो साउंड होता है, स्विचिंग का साउंड भी जो है हमको जो है बता रहा था, यानी कि थोड़ा सा जो है पकड़ना मुश्किल था रिले का जो फॉल्ट है, क्योंकि रिले जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही, स्विच को हम इन्वर्टर को ऑन करते ही जो है रिले जो है अच्छी तरह से जो है स्विचिंग का साउंड भी दे रहा था। तो ये डबल प्रिंट वाला पीसीबी है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है और सॉल्डरिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, आपको ध्यान से करना है यहाँ पे। तो देखिए, हमने इसको जो है सॉल्डरिंग कर दिया है। अभी जो है किट को हम लोग बिठाएंगे, बिठा करके जो है इसको चेक करेंगे। तो प्रॉब्लम जो है आप लोग को समझ में आया होगा, स्टार्टिंग में जो हमने जो है इसको बैटरी का सर्किट कनेक्ट करके जो है दिखाया था, इन्वर्टर तो जो है हमारा ऑन हो रहा था, लेकिन जो है इसका जो आउटपुट है, आउटपुट में हमको जो है कोई भी वोल्टेज नहीं दे रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा, बल्ब को भी हमने कनेक्ट करके रखा हुआ था, लेकिन बल्ब जो है हमारा वहाँ पे जो है आउटपुट नहीं दे रहा था, क्योंकि तो बल्ब भी जो है हमारा जल नहीं रहा था। तो देखिए दोस्तों, सेट को हमने जो है फिटिंग कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। अभी यूपीएस को जो है, इन्वर्टर को हमने ऑन भी कर दिया है, और यहाँ पे देख सकते हो आप जो है हमारे इन्वर्टर जो है आउटपुट भी देने लगा है। तो ये मेंस में तो पहले से जो है हमको जो है आउटपुट दे रहा था, सिर्फ इसमें दिक्कत जो है बैटरी मोड में जो है ये कोई भी जो है आउटपुट दे नहीं रहा था।
तो यहाँ पे जो है ये रिले का वजह से ही जो है इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा था यहाँ पे। और रिले का लेग जो है आप देख पाए होंगे, अगर आप रिले को निकाल करके अगर चेक नहीं करोगे तो आपको भी जो है हमको भी जो है पता नहीं चलना था। तो रिले को क्योंकि हमने निकाल करके देखा तो वो रिले का जो दूसरे एक लेग है वो पूरी तरह से जो है ख़राब हो चुका था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।